हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शाह फैसल आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज करंट जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए यूपीटेट सीटेट और वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मेरे चैनल पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ, यंगस्टर कम्पिटेटिव मास्टर के नाम से। आप वहाँ पे मुझे कोई क्यूरी है वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट में कोई प्रॉब्लम हो उसको दे दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा पर सुविधाओं के लिए किस भाषा में 8 नामों को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर आपका होगा कुछ चीनी भाषाओं में नाम। हाँ, इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के जो चंद्रमा का जो एरिया है उसके चारों ओर जो सुविधाओं मतलब मींस उनकी सुविधाओं के लिए 8 चीनी नामों को मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खबरों में रही डल झील जम्मू कश्मीर के किस शहर या कस्बे में स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर ये जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है, श्रीनगर के शहर में ये झील स्थित है। इसे कश्मीर का ताज़ा गहना भी कहा जाता है। झीलों और जल मार्ग विकास प्राधिकरण ने पिछले महीने 170 से अधिक अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाइट मॉन्यूमेंट जो समाचार में बना रहा है, किस देश में 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक है? आपको इसका आंसर हो जाएगा सीरिया। सीरिया ने 4000 साल युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में यह बनाया गया था। इसे सफ़ेद स्मारक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एम्पीरियल ग्लोसिस एक डैश रोग है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कवक, जिसे फंगल भी कहते हैं। जो समस्या चली इसमें समस्या थी उसके बाद अभी ये फंगल में काफ़ी चर्चा में रहा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को बहुत सी से ध्यान में देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने आकांक्षा नाम का पोर्टल लॉन्च किया? ये कर्नाटक ने आकांक्षा नामक पोर्टल बनाया था, जिसके मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सभी कॉर्पोरेट और सामाजिक लोगों की ये मदद करने के लिए इस पोर्टल को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मनी और नॉर्वे के बीच अंडरसी पावर केबल प्रोजेक्ट का क्या नाम है? इसका आंसर आपका होगा नॉर्डलिंक। नॉर्डलिंक जर्मनी और नॉर्वे के बीच 623 किलोमीटर पानी के भीतर बिजली के बल का संचालन शुरू किया गया है, जिसमें लागत आई थी $2.2 बिलियन से अधिक इसकी लागत आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड संकट को कम करने के उपाय के रूप में भारत में PSB ने किस राशि तक व्यक्तियों को असुरक्षित ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका होगा 5 लाख। कोविड की जो महामारी है उसके संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने PSB के द्वारा 5 लाख तक का परेशानी दूर करने के लिए दिया गया था। अब तटीय गश्ती पोत सजग को किस सशस्त्र बल में कमीशन किया गया? तो भारतीय तटरक्षक। भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार NSA
द्वारा अजोत थोबाल जो इसके सदस्य कमीशन है उनके द्वारा अपतटी गश्ती पोर्ट सजग को तटरक्षक बल में शामिल किया गया। वर्तमान में तटरक्षक के पास 160 जहाज और 62 विमान हैं। हाल ही में 1 जून को मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका विषय था डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। आपका एक और ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में ये है, हर साल 1 जून को संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन विश्व दुग्ध दिवस मनाता है। इस दिन को पहली बार वर्ष 2001 में मनाया गया था। वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र को पोषित करने के लिए स्थापित किया गया था। इस वर्ष जो 2021 की थीम है क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मैं वहीं पर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ग्रेडअप ऐप और या स्क्रीन पर भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। सॉल्यूशन के डाउट देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और ग्रेडअप पर के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।